नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों इसमें आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, लाइक जियो के बारे में या फिर कई सारे ओप्पो स्मार्टफोन या फिर Xiaomi के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली जो न्यूज़ निकल के आती है वो ये आती है कि दोस्तों जो भी यूजर्स हैं वो जियो फाइबर का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उनको जो भी डाटा मिलता है दोस्तों उसका जस्ट आपको डबल मिलने लग जाएगा दोस्तों कुछ ही दिनों बाद से। दोस्तों जो यूजर्स जियो फाइबर के बारे में नहीं जानते दोस्तों मैं बता देता हूँ, जियो फाइबर 2019 के सितंबर महीने में लॉन्च किया गया था जियो की तरफ से। दोस्तों ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह ही होता है दोस्तों। इसमें आपको यदि स्पीड की बात करें तो दोस्तों आपको 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों बात करें इसके प्राइस को लेकर तो दोस्तों ये 8,500 रुपये पर मंथ के लिए आपको उपलब्ध होता है। और दोस्तों बात करें कि इसकी फिलहाल में कितनी GB मिल देती हैं और दोस्तों अब आपको कितनी GB मिलने लग जाएंगे, तो दोस्तों 8,500 रुपये में आपको मंथ में 10,000 GB आपको खर्च करने के लिए मिलती थी। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों बाद से जियो ने जैसा कि आपको ट्विटर हैंडल पर बता दिया है कि तो दोस्तों जैसा कि आपको 8,500 रुपये में 10,000 GB मिलती है, तो दोस्तों कुछ ही दिनों बाद से आपको 8,500 रुपये में ही 20,000 GB आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जियो की तरफ से न्यूज़ जो कि जियो फाइबर जो यूज़ करते हैं उनका डाटा डबल हो जाएगा। दोस्तों दूसरी जो न्यूज़ है वो है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi जो नया अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली थी इंडिया में Mi 10, दोस्तों वो लॉकडाउन के चलते वो उसने अभी जो है वो रिवील नहीं किया है कि वो कब लॉन्च करेगी। दोस्तों वैसे होने तो उसका 31 मार्च को वाला था लेकिन उसने अभी ये डिले कर दिया और ये लॉकडाउन के बाद ही इसे हमारे इंडिया में लॉन्च होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल में उसने यूरोपियन जो देश है उनमें उस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया दोस्तों Mi 10 और Mi 10 Pro को। दोस्तों Mi 10 और Mi 10 Pro की बात करें मेन फीचर की, तो दोस्तों उसका कैमरा में उसका मेन फीचर आता है दोस्तों जो कि उसको इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन बनता है, जिसमें आपको 108 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग की तो दोस्तों बात करें Mi 10 की, तो दोस्तों जो Xiaomi का Mi 10 है वो आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों पहला वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो दोस्तों आपको 66,350 रुपये में देखने को मिलता है। और दोस्तों दूसरा जो वेरिएंट है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, दोस्तों वो 68,000 रुपये में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें Mi 10 Pro की, Xiaomi के Mi 10 Pro की, तो दोस्तों इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है दोस्तों, वो है 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, दोस्तों वो 83,000 रुपये का है। और दोस्तों तीसरी न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों वो है WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोस्तों, वो एक अपना नया जो है कोरोना वायरस को लेकर एक नया ऐप बनाने में लग रही है दोस्तों, वो शायद 30 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम COVID-19 है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऐप होने वाला कोरोना वायरस से अपडेट को लेकर, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सूचनाएँ भी कोरोना वायरस की मिलती रहेंगी। और दोस्तों बात करें चौथी न्यूज़ की, तो दोस्तों वो है इंस्टाग्राम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम एक जो फेसबुक का ही एक ऐप है दोस्तों, उस पर क्या होता है कि कई सारी पिक्चर वगैरह हम डाल सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों उसमें कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं, तो दोस्तों इंस्टाग्राम ने एक ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कहा है कि जो भी फर्जी न्यूज कोरोना वायरस को लेकर उस पर फैलाई जा रही है वो सभी एक स्कैन के द्वारा स्कैन की जाएंगी और जो भी फर्जी न्यूज निकलेगी उन्हें सबको डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसमें कुछ ऑप्शन है वो हटाए भी जाएंगे इसके तहत, और दोस्तों जो भी फर्जी न्यूज है उन सबको वो हटा देगा। और दोस्तों बात करें पांचवी न्यूज़ को लेकर, तो दोस्तों पांचवी न्यूज़ ओप्पो की तरफ से आती है दोस्तों। दुनिया की पहली स्मार्टफोन कंपनी ऐसी बन गई है ओप्पो, जिसने हमारे इंडिया के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है। तो दोस्तों बात करें 6 नंबर की न्यूज़ की, तो दोस्तों वो है कोरोना कवच ऐप को लेकर। दोस्तों भारत इंडियन में एक नया जो है ऐप लॉन्च कर दिया गया है कोरोना कवच दोस्तों, ये एक ऐप है दोस्तों, लेकिन ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अभी लॉन्च किया गया है, एंड्रॉयड यानी प्ले स्टोर में आ गया, लेकिन दोस्तों ये केवल वीटा यूजर्स के लिए, नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं उनके लिए अभी नहीं है दोस्तों, कुछ दिनों बाद नॉर्मल यूजर्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये एप्पल के लिए भी अभी नहीं आया। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूज़ जो मैं आपके लिए बताना चाहता था, मैंने आपके लिए बता दिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।